हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये काफी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलो समझते हैं इसके सॉल्यूशन को। सबसे पहले आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे। आसान भी क्वेश्चन है क्योंकि हमें बोल रहा है 0 to 1 tan inverse x upon 1 plus x square, इसको इवैल्यूएट करके आपको बताना है। तो बच्चों एक बार मैं चाहूंगा कि आप इसको खुद से ट्राई करो, इसके बाद आंसर देखना। देखो बच्चों बनाओगे कैसे। यहाँ पे मान लो tan inverse x को z मान लेना, tan inverse x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/1 plus x square, इधर dz by dx आएगा, तो आप ले सकते हो dx upon 1 plus x square बराबर dz। अब यहाँ पे लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। वेन देखो x बराबर 0 तो z बराबर हो जाएगा tan inverse 0, और tan inverse 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 1 वेन x बराबर 1, इसलिए z बराबर tan inverse 1। बच्चों tan इनवर्स 1 जो होता है, 1 वैल्यू tan pi by 4 का होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा pi by 4। तो लिमिट आपको मिल गया कितना, 0 से pi by 4, यहाँ पर लिख सकते हो, इसलिए i is equal to 0 से pi by 4। tan इनवर्स के जगह पे देखो z हो गया और इसके जगह पे dz, क्योंकि dx बटा 1 plus x square बराबर dz। तो यहाँ देखो z पे पावर 1 plus 1 अपॉन 1 plus 1 होगा, और यहाँ पर देखो 0 से पाई बाय 4 हो जाएगा। तो ये 1/2, ये z स्क्वायर, ये 0 से पाई बाय 4। यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम लोग, 1/2 z के जगह पे वैल्यू पुट कर दोगे तो पाई बाय 4 का होल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, ये 1/2 इंटू पाई स्क्वायर, 4 4 16, तो ये तो कटेगा नहीं, ये तो नीचे में 2 है, तो ये हो जाएगा आंसर पाई स्क्वायर बाय 32, यही आंसर होगा। तो बहुत आसान सा सवाल था, आपसे बना होगा, कमेंट करना इस क्वेश्चन पर। ओके, थैंक यू।